फातिमा की मारिफत पे सदियां कुर्बान हो रही हैं। अजीजान ईमान इस लफ्ज की बलावत को पहचानिए तो अजमत फातिमा समझ में आए कि सदियां कुर्बान हो रही हैं फातिमा की मारिफत पे। यानी अगर बीच से फातिमा को हटा दिया जाए तो कायनात कायनात कहलाने के लायक न रहे। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह बाजार करूंगा तो बात हमारे जवानों तक पहुंचेगी। अजीजान ईमान, हर शहर में अगर दो न हो तो वो शहर मर जाए, खत्म हो जाए। पानी अगर ठहरा हुआ हो तो चंद दिन के बाद बदबू देगा, खत्म हो जाएगा, दिन आ जाएगा और उसके अंदर जो जानदार चीजें होंगी वो भी मर जाएंगी। इसीलिए जो एक्वेरियम होता है मछलियों को पालने के लिए शीशा जो, उसके अंदर एक ऐसी मशीन लगाई जाती है कि पानी चक्कर लगाता है ना। दूसरी सैयारे अगर ये चक्कर ना लगाए तो मालूम इनकी हया खत्म हो जाए। ये चक्कर नहीं है इनकी हया। अच्छा, चक्कर लगाने के लिए किसी मरकज का होना जरूरी है। अजीजा नहीं मान, घरों में देखा होगा पहले पत्थर के दो पार्ट हुआ करते थे जिन्हें चक्की कहा जाता था। जिन जवानों ने देखा वो महसूस करेंगे नहीं बात। ये दोनों पत्थर अगर बीच में वो मरकजी लकड़ी ना हो तो ये चक्कर नहीं लगा सकते। मैं क्या कह रहा हूं
से अपनी मां करें। परेशान हो गए, परेशान हो